हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने देखा था, उन्हीं को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए इसमें क्या करें। ए होलसेलर, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, उसी की एक्सटेंशन है, उसी वे में सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है। ए होलसेलर सेल्स 20 पेंस एट द मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जो जो भी कोई बुक है, कोई भी हमारे पास, जैसे यहाँ हमारे पास आर्टिकल है, पेंस गिवन है, तो उसका जो मार्क्ड प्राइस होगा, तो वो जो कह रहा है कि 20 पेंस सेल करता है होलसेलर। इसको सेल करता है रिटेलर को, रिटेलर रिटेलर मतलब शॉपकीपर, और वो जो शॉपकीपर है वो आगे उन पेंस को सेल करेगा। तो 16 पेंस टू द रिटेलर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मार्क प्राइस जो है ईच पेन का मार्क प्राइस एक्स रुपीज है, तो जो 20 पेंस है, 20 पेंस का मार्क प्राइस अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कितना हो जाएगा, 20x। मार्क प्राइस ऑफ 20 पेंस क्या हो जाएगा, 20x। लेकिन क्या कहता है कि जो ये होलसेलर है, ये इस रिटेलर को 20 पेंस देता है। होलसेलर जो है वो इस रिटेलर को 20 पेंस देता है, लेकिन उनकी जो कॉस्ट लेता है, 20 पेंस की जो कॉस्ट लेता है उससे, वो कितनी लेता है, जो 16 पेंस का मार्क प्राइस होगा। यानी जो होलसेलर है इस रिटेलर को 20 पेंस देता है, लेकिन होलसेलर तो सेल कर रहा है, होलसेलर का तो वो एसपी है, लेकिन रिटेलर के लिए वो क्या हो जाएगा, सीपी। और वो जो सीपी है वो कितना होगा, जो 16 पेन की कॉस्ट होगी। तो 16 पेन का मार्क प्राइस कितना होगा, 16 पेन का मार्क प्राइस 16x। तो ये जो 16x है, ये इस रिटेलर के लिए सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 16x। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस, रिटेलर ने खरीदे हैं पेन, रिटेलर ने 20 पेन खरीदे हैं, लेकिन वो उसको जो होलसेलर ने सेल किए हैं वो किस रेट से किए हैं, कि 16 पेन की जो कॉस्ट बनती है जो मार्क प्राइस के हिसाब से है, तो वो उसने चार्ज किया है। तो जो सीपी होगा रिटेलर के लिए वो क्या हो जाएगा, 16x। लेकिन ये जो 16x है सीपी, ये कितने पेन का है, कितने पेन इसने परचेज किए हैं, 20 पेन। तो 20 पेन का है, ये 20 पेन का सीपी है 16x। और आगे क्या कहता है, द रिटेलर इन टर्न सेल्स देम एट द मार्क प्राइस। और जो उन पेन पे मार्क प्राइस लिखा उस पे वो जो रिटेलर है वो उनको बेच देता है। तो एक पेन एक्स रुपीज में सेल करेगा वो, तो 20 पेन कितने में करेगा, 20x। तो इसका मतलब ये जो सीपी था इस रिटेलर के लिए, जो एसपी बनेगा वो कितना हो जाएगा, 20x, क्योंकि 20 पेन है, 20x में सेल करेगा। तो मतलब 16x में उसने परचेज किए, 20x में वो सेल करेगा, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। तो एसपी ऑफ 20 पेंस फॉर रिटेलर कितना हो जाएगा, 20x। तो गेन कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 20x माइनस 16x यानी 4x। तो गेन कितना है, 4x। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, गेन और लॉस परसेंट। गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे आप, गेन परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है, 4x। सीपी कितना है, 16x इंटू 100। एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 4 से 16, 4, 4 से 25, यानी क्या आ जाएगा, 25%। यानी इसको जो गेन होगा वो गेन क्या होगा, 25%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बाय सेलिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसको वो सेल करता है 4 रुपीज 90,000 ए पर्सन, और उसको जो लॉस होता है, लॉस कितना होता है, 10%। एट व्हाट प्राइस शुड द प्लॉट बी सोल्ड सो एज टू गेन 15%। मतलब कहने का ये है कि इसमें ये गिवन है कि हमारे पास किसी के पास जो प्लॉट था उसने उसको 10% लॉस में बेच दिया, लेकिन ये कहा गया कि कितने में बेचे कि उसको जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो है कितना हो, 15%। प्रॉफिट क्या हो, 15%। तो इसके लिए देखें, बाई सेलिंग ए प्लॉट
₹4,90,000, 90,000 में उसने प्लॉट को सेल किया, तो हम उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो जो कॉस्ट प्राइस आएगा उस कॉस्ट प्राइस पे हम 15% प्रॉफिट के साथ एसपी फाइंड आउट कर लेंगे। पहले एसपी गिवन है, 90,000 जो रुपीज है वो एसपी गिवन है, और इस पे जो लॉस है वो क्या है, 10% है। तो एसपी सेलिंग प्राइस और लॉस या प्रॉफिट हमें गिवन होता है, तो हम सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सीपी होगा, सीपी सीपी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो सीपी ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू एसपी 90,000, ये फॉर्मूला हमारा। तो क्या होगा, 100 अपॉन 90 इंटू 90,000, 10 से 0 कैंसिल होगी, 9 से कैंसिल होगी, तो 1000 हो जाएगा, और 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख। इसका मतलब उस प्लॉट की जो कॉस्ट थी, प्लॉट की कॉस्ट वो थी 1 लाख, लेकिन उसने उसको कितने में बेच दिया था, 90,000 में, तो उसको 10% का लॉस हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उस प्लॉट को वो कितने में बेचता कि उसको प्रॉफिट कितना होता, 15%। तो इसका मतलब अब ये मेरे पास क्या है, सीपी, और प्रॉफिट क्या है, 15%, और सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो मैं एसपी फाइंड आउट कर सकता हूं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो क्या कहेंगे, सीपी कितना है, 1 लाख रुपीज, और वो प्रॉफिट कितना चाहता है, 15%, तो 15% प्रॉफिट चाहता है, तो एसपी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, एसपी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू भी है, सीपी की वैल्यू भी है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, यानी 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू 1 लाख, 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 इंटू 1 लाख, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 1000 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,15,000 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने जब उस प्लॉट को 90,000 में उसने सेल किया था तो उसको 10% का लॉस हुआ था, लेकिन अगर वो उसी प्लॉट को 1,15,000 रुपए में बेचता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। तो यही हमसे कहा गया था कि फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है, स्टेप डायरेक्ट यूज करो और सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्स ए बाइसिकल टू बी, ये ए है, इस ए ने बी को बाइसिकल सेल की, लेकिन प्रॉफिट कितना मिला इसको, प्रॉफिट, ए को प्रॉफिट क्या मिला, 5%। एंड बी सेल्स इट टू सी, बी ने इसको सी को सेल कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो कहता है अगर सी पे करता है ₹231, अगर सी ने 231 रुपीज पे किए तो व्हाट डिड इट कॉस्ट टू ए, तो मतलब ए की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, तो ए की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, अगर हम सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, अदरवाइज देखें, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ए की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज होती, सपोज ए का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, तो उसने बी को कितने में सेल किया, 5% प्रॉफिट पे, 100 का 5% मतलब 5, तो 100 का 5% मतलब 5, तो ये बी के लिए कितना हो जाएगा, 105, बी के लिए कितना हो जाएगा, 105, और बी अब सी को इसका 10% में सेल करता है, तो 10% मतलब 105 का जो 10% होगा, हम वो इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, 105 का 10%, 105 का 10% क्या होगा, 105 में इसका 10% का मतलब 10.5, यानी 115.5, और 115.5 का मतलब क्या होता है, 231/2, मतलब सी ने उसको कितने में खरीदा, 231/2, लेकिन ये तो हम तब है जब कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 रुपीज, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो सी का कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 231, तो ये 231/2 है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये क्या बन जाए, 231/2 है ये, 231 कब बनेगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आ जाएगा, तो 200 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वे में भी हम समझ सकते हैं, या हम सॉल्व करें तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लेकिन हमें पहले जो है उस क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। सेम पैटर्न पे होगा, क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेते हैं, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है और प्रॉफिट क्या है 5%, तो ए का एसपी मतलब ए उसको का सेलिंग प्राइस, ए जो है वो बी को बेचेगा वो कितने में बेचेगा, 100 रुपीज का तो था 5% प्रॉफिट लिया उसने, तो 5% प्रॉफिट का मतलब 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिए, तो ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा 100+5 यानी 105। तो ए ने जब बी को बेचा है उसको, तो ए का तो ये सेलिंग प्राइस आया है लेकिन बी के लिए ये क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बी ने उसको खरीदा है, तो बी का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 105 रुपीज। अब बी आगे फर्दर इसको सी को सेल करता है लेकिन प्रॉफिट क्या लेता है वो 10%, तो बी का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा 10%, तो बी का एसपी कितना हो जाएगा, बी का एसपी होगा सेलिंग प्राइस होगा लेकिन सी के लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, तो बी का एसपी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, अगर आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो एसपी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या होता है 100+ प्रॉफिट% / 100 × सीपी, तो 100+10 110/100 × 105, तो कैंसिल करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 2 10 5 1 5 5 2 10 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231/2। तो ये एसपी है बी का, बी का तो सेलिंग प्राइस है लेकिन ए ने इसको खरीद सी ने इसको खरीदा है, तो सी के लिए ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सी का ये कॉस्ट प्राइस कब है, जब ए का सीपी कितना है 100 रुपीज, सी का कॉस्ट प्राइस 231 रुपए, 231 गिवन है, तो क्या कहेंगे अगर सी का सीपी, इफ सी सीपी इज 231/2, तो ए का सीपी, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, ए का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, अगर सी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, सी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 231 तो नीचे आ जाएगा और जो डिवाइड का 2 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये जब है जब सीपी 1 रुपया है लेकिन जो सी का सीपी है वो क्या गिवन है 231, तो अगर सी का सीपी 231 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये 1 रुपए के लिए था तो 231 के लिए क्या होगा, उसको 231 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 231 से 231 कैंसिल हो जाएगा, 100 × 2 यानी ₹200, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बाइसिकल वाज सोल्ड एट गेन ऑफ 16%, मतलब पहले कोई बाइसिकल थी किसी के पास, इसको इसने सोल्ड किया किस पे 16% प्रॉफिट पे, ये इसका एसपी आया फर्स्ट केस में एसपी आ गया इसका, लेकिन क्या कहता है अगर ये इसको हैड इट बीन सोल्ड ₹4.70 मोर, अगर ये इसको ₹70 ज्यादा में बेचता, अगर ये इसको ₹70 ज्यादा में बेचता तो इसको जो गेन होता वो कितना होता 20%, मतलब दूसरे केस में, ये तो फर्स्ट केस है, सेकंड केस में 20% अगर प्रॉफिट में ये सेल करता है एसपी सेकंड केस का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना होगा 70, भाई यहां तो इसने बेच दिया, कहते ये ₹70 ज्यादा में बेचता तो इसको प्रॉफिट कितना होता 20%, तो कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो। तो देखें अगर हम इसको इस वे में समझ लेते हैं कि ये जो पार्ट है बाइसिकल, मान लो इसकी कॉस्ट प्राइस सीपी 100 रुपीज होता, सीपी अगर 100 रुपीज होता तो ये 16% प्रॉफिट में सेल कर रहा है, तो 100 का 16% 16 होगा, 100 का 40% 40 होगा, 100 का 60% 60 होगा, तो 100 का 16% 16 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100+16 यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 116, लेकिन इसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, तो 20% चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा 100 का ये यहां कितना हो जाता 20% यानी 120 हो जाता, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आप देख रहे हो डिफरेंस, वो डिफरेंस कितना है 4, 116 और 120 का डिफरेंस कितना है 4, ये 4 डिफरेंस कब है, जब कॉस्ट प्राइस आपने 100 रुपीज लिया है, लेकिन कॉस्ट प्राइस को तो हमने सपोज किया था, एक्चुअल जो डिफरेंस है वो क्या गिवन है 70, एक्चुअल डिफरेंस क्या गिवन है 70, इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट देखें तो 4 का मतलब 70, 1 का मतलब 70/4 और 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना था 100, 100 का मतलब क्या हो जाएगा 70/4 ×
4 से कैंसिल करेंगे 25, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1750। इस वे में भी हम आइडिया या डायरेक्ट हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। भाई मेरा डिफरेंस 4 आया, आना चाहिए था 70, यानी 4 को मैं 70 में कन्वर्ट करूं तो सीपी 100 था, वो क्या होगा। एक तो हम इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हम देखें तो जो पार्ट है हमारा इस वे में आंसर आ जाएगा। मतलब ये पार्ट करने का मतलब ये कि मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि मैं सीपी एसपी डिफरेंस क्या बात कर रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखें तो वही है, मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या था 100 रुपीज, और गेन कितना है 16%। 16% है तो इसका मतलब गेन, ये गेन जो है 16% ऑफ 100 कहेंगे, यहां गेन परसेंट लिखते तो गेन परसेंट अगर लिखते तो क्या कह देते 16%, तो गेन कितना हो जाएगा 16 रुपीज, तो एसपी कितना हो जाएगा। लेकिन साथ में ये मेंशन करेंगे फर्स्ट केस में, अगर वो पहले सेल कर रहा था 16% प्रॉफिट में तो एसपी इन फर्स्ट केस कितना हो जाएगा 100+16 यानी 116। लेकिन सेकंड केस में वो क्या चाहता है कि उसको प्रॉफिट कितना हो 20%, तो इन सेकंड केस वो कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है 20%, तो एसपी इन सेकंड केस क्या हो जाएगा 100+20 यानी 120। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बिटवीन दीज टू एसपीज, जो टू सेलिंग प्राइस आए हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 120-16 यानी ₹4। तो ये जो डिफरेंस 4 आया है, ये जो डिफरेंस 4 आया है ये कब आया, जब सीपी कितना है 100 रुपीज, सीपी कितना है 100 रुपीज। लेकिन डिफरेंस हमारे पास जो गिवन था क्वेश्चन में, वो डिफरेंस कितना गिवन था 70 रुपीज। तो क्या कहेंगे, अगर डिफरेंस इन, व्हेन द डिफरेंस इन एसपी इज ₹4, अगर डिफरेंस 4 है तो सीपी कितना है 100, और अगर डिफरेंस 1 है, अगर डिफरेंस 1 है तो सीपी कितना होगा 100/4, और अगर डिफरेंस 70 है, अगर डिफरेंस 70 है तो सीपी कितना होगा 100/4 × 70, 4 से कैंसिल करोगे 25 × 70 मतलब ₹1750। तो वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है जैसे ये है अभी लास्ट क्वेश्चन किया, कि ए मैन सेल्स द हाउस एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। मतलब उसमें क्या था, दोनों केस में प्रॉफिट था, इसमें क्या है, एक में लॉस कह दिया दूसरे में प्रॉफिट कह दिया। सॉल्व उसी वे में होगा, 10% बिलो, बिलो कॉस्ट प्राइस मतलब लॉस में बेचता है उसको। Had he received rupees 1494, अगर वो इतने रुपए ज्यादा लेता है तो इसको कितना प्रॉफिट बनता है 12.5%। तो कहता है व्हाट डिड द हाउस कॉस्ट हिम, हाउस की कॉस्ट कितनी थी। तो सेम क्वेश्चन है, अपने आप भी कर सकते हैं, पहले आप इसको ट्राई करें अपने आप, फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस जो है वो 100 रुपीज है, तो इन फर्स्ट केस उसको लॉस कितना होता है 10%, 10% का मतलब 100/10% का हो गए, 10% ऑफ 100 का हो गए, और 10% ऑफ 100 का मतलब क्या हो जाएगा ₹10। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना होगा 100-10 यानी ₹90 फर्स्ट केस में। लेकिन सेकंड केस में क्या कह रहा है, गेन क्या है 12.5% यानी 25/2%। तो इन सेकंड केस प्रॉफिट क्या है 12.5%, तो इन सेकंड केस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो जितने परसेंट है उतने ही रुपए होता है, तो 25/2, 100+25/2/1 एलसीएम लेंगे 2, 200+25, 225/2। पहले एसपी ये था, बाद में एसपी ये है, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। तो डिफरेंस इन बिटवीन टू एसपी कितना हो जाएगा 225/2 - 90, और 225/2 - 90/1 सॉल्व करोगे 2, 225 - 19/2 = 180, 45/2 डिफरेंस क्या आ जाएगा 45/2। लेकिन डिफरेंस कितना चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है, या डिफरेंस जो है कितने रुपए ज्यादा चाहता है, वो प्रॉफिट इतना नहीं होगा क्योंकि पहले वाले केस में तो दोनों केस में प्रॉफिट था, तो ओवरऑल वो प्रॉफिट भी हो गया था। लेकिन अब उसको पहले जो पैसे मिल रहे थे उससे कितने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 1494। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर डिफरेंस ₹14 5/2 है तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज,
और अगर डिफरेंस 1 रुपया है तो कितना हो जाएगा 100/45/2, या इसको क्या कह सकते हो 100/45, और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो ये तो 1 रुपीज तो है, लेकिन क्या है डिफरेंस 1494, और अगर डिफरेंस 1494 है तो कितना हो जाएगा 100 × 2/45 × 1494, कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ₹6,640, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सोल्ड ए हॉर्स एट ए गेन ऑफ 15%, हैड ही बॉट इट फॉर 25% लेस, थोड़ा सा और चेंज दे दिया। पहले वाले केस में दोनों काम हमने 100% पे करने थे, 100% पे दोनों के एसपी निकाले, उनका डिफरेंस निकाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या चेंज दिया है। पहला जो फर्स्ट केस है, पहले फर्स्ट केस तो देख ही लेते हैं कि 15% गेन है, तो पहले वाला केस का काम तो वही हो जाएगा। सीपीओ फोर्स अगर हमने 100 रुपीज का, तो गेन 15% है, मतलब 15 रुपीज का है, और 15 का तो एसपी इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा 100+15 यानी 115 रुपीज, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा फर्स्ट केस में। लेकिन सेकंड केस में जो बात कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर भाई उसने जो हॉर्स है, पहले वाले में तो वही पार्ट कह रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर उसने हॉर्स जो है वो ही बॉट इट फॉर 25% लेस, उसने जो हम क्या कह रहे थे, हमने सीपी 100 रुपीज लिया था, लेकिन ये कह रहा है कि 100 रुपीज ना होता, इसका भी 25% कम होता, तो इन सेकंड केस जो सीपी होगा, इन सेकंड केस जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 100 - 25, 100 - 25 यानी 75 रुपीज, यानी सेकंड केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 75, जैसे यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया, या अगर 25% लेस है तो वही है 100 - 25/100 × 100 को, या मैंने 100 - 25 कह दिया 75 रुपीज, यानी जो सेकंड केस में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब से पहले जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन सोल्व किए उन दोनों में सेकंड केस में भी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपीज, लेकिन इसमें हमारा जो सेकंड केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितना है 75 रुपीज, तो उस पे क्या कहता है एंड सोल्ड इट फॉर ₹6,000 ही वुड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹32,000, 32%। अब इस केस में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या है 32% है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब जो उसको 32% है वो जो प्रॉफिट होगा वो हम इस 75 रुपीज वाला जो पार्ट है इस पे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा इन सेकंड केस प्रॉफिट क्या है 32%, तो जो एसपी होगा सेलिंग प्राइस होगा सेकंड केस में, तो वो क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू 100 + प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 × सीपी, तो 100 + 32/100 × 75, ये 132/100 × 75 कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 33 × 3 99 रुपीज, यानी पहले वाले केस में सेलिंग प्राइस उसका कितना था 115, अब सेलिंग प्राइस कितना है 99, तो डिफरेंस इनटू एसपी, डिफरेंस कितना हो जाएगा 115 - 19 यानी ₹16, लेकिन ये 16 कब है एसपी का डिफरेंस, जब कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज, लेकिन डिफरेंस कितना है 6000 लेस का, मतलब लेस हो रहा है ना, पहले उसका कम कर दिया फिर वो कर दिया, देखो पहले 115 था, अब सेलिंग प्राइस कितना आया है 99, डिफरेंस मतलब कितना कम दे रहा है, 100 में देख रहे हैं तो 115 की बजाय 99 दे रहा है, मतलब कम कितना दे रहा है वो 16 रुपीज, तो लेस वाला जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। व्हेन द डिफरेंस इन टू एसपी इज 16 रुपीज, तो सीपी कितना है 100 रुपीज, और अगर एसपी 1 रुपया होता तो सीपी कितना होगा 100/16, लेकिन डिफरेंस कितना गिवन था 6000, तो क्या हो जाएगा 100/16 × 6000, और 6000 को 16 से कैंसिल करोगे तो 375 हो जाएगा, और 375 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 375 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ₹37,500, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹120 ईच, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 120 रुपीज है, एट डूइंग सो ही गेन्स
25% ऑन वन एंड लॉस 25% ऑन सेकेंड. व्हाट डज ही गेन और लॉस ऑन द होल. एक बात ध्यान रखें, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर गेन और एक पर लॉस गिवन है और सेम गिवन है परसेंटेज में. जैसे दोनों केस में क्या है, 25% 25% है, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में लॉस होगा. लॉस हमेशा जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में लॉस होगा. और लॉस का हम यहां से ये फाइंड आउट करते हैं, या अगर हम चाहें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन ये तब है जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम गिवन है और दोनों आर्टिकल का जो एसपी है वो सेम है. तो वो क्या होता है, 2 × T² × SP / 100² - T² जो हम लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं ₹16, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखें क्या होगा, 2 × प्रॉफिट कितना है 25, यानी 25 × SP कितना है 120 अपॉन 100² - 25² तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2 × 25 × 25 × 120 / 100² - 25² है. वैसे तो सॉल्व करेंगे आप, या मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 100² और 25² में से अगर मैं 25² कॉमन लेता हूं तो यहां से मेरे पास 4² बचता है. 4² मतलब 16 - 1, तो 25² से 25² कैंसिल हो जाएगा. 2 × 120 / 15, 15 से 120 को कैंसिल करोगे 8 × 2 = 16. तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन में लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा. तो एक तो मेथड ये होगा कि हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, एक ये कि हम इस तरीके से सॉल्व करें. सेलिंग प्राइस जो है वो ईच आर्टिकल का क्या गिवन है, ₹120. ईच आर्टिकल का ₹120 है. पहले पे गेन है 25%, तो सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस गिवन है, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लें. कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो इसका मतलब लॉस हुआ है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है. तो हमारे पास सेलिंग प्राइस दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 + 120 = 240, मतलब दोनों जो आर्टिकल हैं उनको जो सेलिंग प्राइस है वो 240 होगा. अब हम सीपी निकाल लेते हैं. गेन ऑन फर्स्ट आर्टिकल क्या है, 25%. गेन 25% है, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, सीपी के लिए फॉर्मूला पता है, 100 / 100 + प्रॉफिट परसेंटेज × SP, 100 / 100 + 25 profit × 120, यानी 100 × 120 / 25. सॉल्व करेंगे तो ये 4 से ये 5 से ये 5 × 10, 24 × 4 = 96 आ जाएगा. यानी पहले का कॉस्ट प्राइस कितना था, 96 रुपीज. दूसरे पे क्या कहता है, 25% लॉस हुआ है, तो दूसरे सेकंड केस लॉस क्या है, 25%. तो सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल फाइंड आउट कर लो, क्या होगा, 100 / 100 - लॉस परसेंट × SP. तो एसपी तो 120 है, 100 - 25, 100 × 120 / 75, 4 × 25 = 3, 3 × 40, 40 × 4 = 160. पहले का सीपी 96 है, पहले का कॉस्ट प्राइस 96 है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 160 है. तो दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 256 रुपीज. कॉस्ट प्राइस कितना है, 256, और सेलिंग प्राइस कितना था, 240. तो सीपी ज्यादा है, तो सीपी ज्यादा है तो इसका मतलब लॉस होगा. तो लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन कितना होगा, CP - SP, 256 - 240, यानी ₹16. उसको टोटल ट्रांजैक्शन जो उसने की है, उसने उसको जो ओवरऑल लॉस होगा वो क्या होगा, ₹16 का. ये नहीं कि एक पे 25% प्रॉफिट है, एक पे 25% लॉस है, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. कई बार बच्चे फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे एक पे 25% बढ़े हैं, एक पे 25% घटे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. लेकिन अगर सेम हो
प्रॉफिट 10%, लॉस 10%, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसको हमेशा लॉस होगा। और एक्चुअल लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है एक्चुअल लॉस, लेकिन अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होता तो लॉस परसेंटेज को और इजीली हम वैसे तो इस वे में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हम चाहे तो डायरेक्ट जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि अगर हमारे पास जैसे है ए डीलर सोल्ड टू कूलर्स एट रुपीज 2970 ईच, ईच की जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, ऑन सेलिंग वन कूलर ही गेन 10% एंड सेलिंग ऑन अनदर कूलर ही लॉस्ट 10%, 10% प्रॉफिट है 10% लॉस है। तो कहते हैं फाइंड द डीलर गेन और लॉस परसेंट, तो जो लॉस परसेंट होगा, लॉस परसेंट उसका फॉर्मूला होगा पी परसेंट इंटू पी परसेंट अपॉन 100। लॉस परसेंट को या प्रॉफिट परसेंट को एक ही बात है, कितना है प्रॉफिट परसेंटेज 10, तो 10 इंटू 10 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यानी 1%, लॉस परसेंट क्या आ गया 1%, मतलब जो भी गिवन है 10% गिवन है तो 10 इंटू 10 अपॉन 100, 25 गिवन होता तो 25 इंटू 25 अपॉन 100 डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। या अगर हम उसी वे में जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कूलर कितना है रुपीज 2970, गेन कितना है 10%, तो सीपी निकाल सकते हो, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कूलर 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2700 रुपए आ जाएगा। सेकंड केस में क्या है लॉस है 10% का, सेकंड केस में एसपी गिवन है और लॉस गिवन है, तो सीपी ऑफ सेकंड कूलर निकाल सकते हो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 10 इंटू एसपी, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ये एक सीपी है, ये एक सीपी है, ये दूसरे का सीपी है, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो सीपी ऑफ बोथ कूलर कितना हो जाएगा 2700 एंड 3300 यानी रुपीज 6000। लेकिन एसपी एक कूलर का है ये सेलिंग प्राइस, तो दो का कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो एसपी ऑफ बोथ कूलर कितना हो जाएगा रुपीज 5914, सीपी 6000, एसपी 5940, तो इसका मतलब लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है सीपी माइनस एसपी यानी 60 रुपीज। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पहले वाले में एक्चुअल लॉस फाइंड आउट करना था, इसमें हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 60 अपॉन 6000 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो 1% आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करें या डायरेक्ट ये फॉर्मूला, लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला तब है जब दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास सेम गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सेम है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप फिर इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग ए कोट, अगर एक कोट है उसको या तो वो 4% पे सेल करता है गेन पे या 6% गेन पे करता है, तो डिफरेंस क्या है 300। What are the two selling prices? जो 4% पे सेल करता है तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, 6% पे सेल करता है तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, अपने आप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर मान लो हम कह देते हैं कि सीपी ऑफ कोट 100 है तो 4% अगर प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा, प्रॉफिट अगर 4% है तो एसपी कितना होगा 100 प्लस 4, 104, लेकिन अगर प्रॉफिट 6% है तो एसपी कितना होगा 106, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 2, लेकिन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 300, तो क्या कहोगे अगर इफ द डिफरेंस इन एसपी इज रुपीज 2, अगर डिफरेंस एसपी का 2 रुपीज है तो सीपी कितना है 100 रुपीज, और अगर डिफरेंस एसपी का 1 रुपया है तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2, लेकिन अगर एसपी का डिफरेंस 300 है तो सीपी कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 300, 2 से इसको कैंसिल करोगे 150 रुपीज 15000, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 15000। अब 15000 पे अगर 4% प्रॉफिट लेता तो सेलिंग प्राइस कितना होता, सेलिंग प्राइस एट 4%, एसपी का फॉर्मूला पता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी यानी 100 प्लस 4 अपॉन 100 इंटू 15000, सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा। लेकिन अगर 6% प्रॉफिट होता तो एसपी कितना होता 100 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 15000, कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इजीली आप कर सकते हो, बस प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान में रखें, सॉल्व करें आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।